गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हम लोग पिछले कक्षा में जाने थे कि किस तरह से हम लोग हिंदी के प्राकल्य कार्य बनाते हैं, उसमें भाषा पर आधारित हम प्राकल्य कार्य को किस तरह बनाना है तुम लोगों को बताए थे। अभी जो है हम बनाएंगे हिंदी साहित्य का प्राकल्य कार्य। तो पहले कॉपी में हम पहले पेज में लिख लेंगे हिंदी साहित्य प्राकल्य कार्य, ठीक है। इसके बाद हम सबसे पहले पेज में क्या करेंगे कि लिखेंगे हिंदी साहित्य प्राकल्य कार्य, और उसके नीचे लिखे फिर उसके नीचे ठीक लिखेंगे पाठ। पाठ क्या है हमारा? चंद्रशेखर आजाद। नहीं, हमारा पाठ क्या है? हमारा पाठ है भगत सिंह का पत्र। तो हम एक किनारे में हम क्या करेंगे, भगत सिंह का एक चित्र लगा देंगे और दूसरे किनारे में भगत सिंह का दूसरे किनारे में कॉर्नर में नाम, क्लास, कक्षा क्रमांक सब कुछ हम लोग लिखेंगे। इसके बाद हम लोग दूसरे पेज में भगत सिंह का पत्र लिख कर एक भगत सिंह का छोटा चित्र जो आपके किताब में दिया गया है उस चित्र को लगाएंगे और उनके विषय में चार पांच वाक्य लिखेंगे। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि एक भगत सिंह का एक और चित्र लगाएंगे उसके अलावा। उसके बाद वाले पेज में आप पत्र जो आपके किताब में दिया गया है, आप जैसे देख रहे हैं इस तरह से पत्र दिया गया है, ये पत्र को आप जैसे किताब में दिया है सुंदर और शुद्ध लिखावट में लिखोगे। खाली जो बीच में यह प्रश्न दिया गया है कि कौन बड़ी बेसब्री से फांसी पर चढ़ने का इंतजार कर रहा था, ये प्रश्न नहीं लिखिएगा, केवल पत्र अच्छी तरह से सुंदर लिखावट में लिखिएगा। इसके बाद आप फिर पेज चौथे पेज में आप लोग लिखोगे कि भगत सिंह की भांति और अन्य क्रांतिकारी, ठीक है। वो लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि तीन क्रांतिकारी जो मैं बता दे रही हूँ, यदि आप इसके बारे में आप अच्छे से नेट से लेकर या किसी किताब से लेकर आप क्या कीजिएगा, उसमें तीन हैं जो हमारे जो भी हम भेजे हैं वीडियो उसमें ये असाइनमेंट के थ्रू जाएगा, तो उसमें दिया गया है। मैं भी अभी भी बता दे रही हूँ कि पहला चंद्रशेखर आज़ाद, तो चंद्रशेखर आज़ाद लिखिए और उसमें नंबर वन लिखकर पहले हेडिंग देंगे कि भगत सिंह के भांति तीन क्रांतिकारी, ठीक है। उसके बाद नंबर वन में आप लिखेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद, तो चंद्रशेखर आज़ाद का एक फ़ोटो और चित्र लगाकर बॉर्डर अच्छी तरह सजाकर और उनके विषय में चार से पांच वाक्य कम से कम लिखिएगा। फिर फिनिशिंग लाइन, फिर नंबर टू उसमें आप लिखेंगे शिवराम राजगुरु के बारे में, उनका चित्र लगाएंगे और उनके विषय में मैंने तीन से पांच वाक्य के में आप लिख सकते हैं। फिर तीसरा सुखदेव थापर, उनका भी तुम लोग क्या करोगे कि चित्र लगाकर उनके विषय में तीन से पांच वाक्य लिखोगे। ये जो तीनों थे ये भगत सिंह के साथ साथ इनको भी फांसी दी गई थी, तो आप इनके विषय में जानकारी अच्छे से प्राप्त कर उनके विषय में लिखेंगे चित्र लगाकर, और सभी कॉपी के बॉर्डर को सभी पन्नों के बॉर्डर को अच्छी तरह से आप सजाएंगे और लिखावट जो है शुद्ध और साफ सुथरा होना चाहिए। लिखने का काम जो विषय वस्तु है उसे आप अच्छी तरह से काले रंग की स्याही से लिखेंगे और जो भी बॉर्डर लाइन है उसको आप रंगीन पेंसिल रंगीन कलम का प्रयोग उसमें कर सकते हैं। पेंसिल कलर का प्रयोग कीजिएगा क्योंकि आप क्रेयॉन्स का यदि प्रयोग करेंगे तो वो दूसरे पेज में लगने का डर रहता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से बनाओगे और जो भी वीडियो दिया गया है ये प्राकल्य कार्य बनाने का उसे देखोगे और निर्देश जो असाइनमेंट के द्वारा भेजा जा रहा है उसे देखोगे और अच्छी तरह से तुम लोग बनाओगे। धन्यवाद बच्चों।